नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है 16th प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम से जुड़ा हुआ। ये एक मेगा सेट है जिसमें 51 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो जितना मुझसे हो पाया मैं उतना कर रही हूँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली अपडेट्स के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े जॉब्स, कंटेंट, फ्री लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट, हर चीज के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस एग्जाम के लिए सभी एग्जामिनीज को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप में से सिलेक्ट हो जाते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम सैनिटरी प्रॉब्लम्स और इश्यूज। सैनिटरी प्रॉब्लम, साफ सफाई की दिक्कत से कौन सी बीमारी होती है? ए कॉलरा, बी डेंगू, सी हेपेटिक इलनेस, या डी ऑल ऑफ दीज। कॉलरा जो होता है वो तो क्लियरली गंदे पानी से और चीजों से होता है। डेंगू भी मच्छर पलते हैं गंदे पानी में और हमें काटते हैं और उससे होता है। हेपेटिक इलनेस होता है लिवर की प्रॉब्लम, तो वो दूषित खाना और पानी से होता है। ठीक है, तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन 2022? गंगा, रावी, येलो रिवर, या जॉर्डन रिवर। तो रावी है जो पाकिस्तान में बहती है और वो ही सबसे पोल्यूटेड रिवर है 2022 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बल्क ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट? न्यूक्लियर वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, या उनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है बी यूरेनियम। यूरेनियम का ही एनरिचमेंट होता है और उससे न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता है, तो न्यूक्लियर वेस्ट में भी मैक्सिमम यूरेनियम ही पाया जाता है। ISWM स्टैंड फॉर ए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या बी इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ वेस्ट मटीरियल, या डी नन ऑफ दीज। सही उत्तर है ए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि कब कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो पता चला वो ISWM लिख रहे हैं और आपको पता ही नहीं, इसलिए फुल फॉर्म सारे मैं बताती जा रही हूँ, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्यूल इन टर्म्स ऑफ क्लोरीफिक वैल्यू। सबसे ज्यादा क्लोरीफिक वैल्यू के टर्म्स में आप सीक्वेंस पहचानिए। तो ए है ऑप्शन मिथेन हाइड्रोजन इथेनॉल या मिथेनॉल, बी है हाइड्रोजन मिथेन इथेनॉल या मिथेनॉल, सी मिथेन हाइड्रोजन मिथेनॉल इथेनॉल, या डी हाइड्रोजन इथेनॉल मिथेनॉल मिथेन या मिथेनॉल। सॉरी यहाँ मैं साइन देना भूल गई हूँ। सबसे ज्यादा क्लोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन में होती है, उसके बाद मिथेन में होती है, उसके बाद एथेनॉल में, और फाइनली मिथेनॉल में। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ती हूँ। द परसेंटेज ऑफ मिथेन इन बायोगैस इज इन द रेंज ऑफ ए 50 to 70%, 30 to 40%, 70 to 90%, या डी 40 to 50%। और सही उत्तर है ए 50 to 70% मीथेन होता है और बाकी दूसरी गैसेस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है इसलिए एनारोबिक डिकम्पोजिशन में सबसे ज्यादा मीथेन बनता है, फिर अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोक्साइड से, और थोड़ा बहुत मॉइस्चर। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। करेक्ट आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी? इनमें से कौन सा वेस्ट को के वॉल्यूम को कम करने का तरीका नहीं है? ए रिड्यूस यूज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल कम यूज करेंगे तो क्लियरली वेस्ट भी कम होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। मटेरियल रीयूज, फिर से यूज कर ले तो भी वेस्ट कम होगा। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिसाइकिल कर ले तभी वेस्ट कम होगा, या डी डिक्रीज टॉक्सिसिटी, वेस्ट की टॉक्सिसिटी को कम कर ले। यहाँ पर वॉल्यूम का रिडक्शन नहीं होगा, तो आंसर है डी, नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, डिक्रीज टॉक्सिसिटी इज द आंसर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ डीडीटी? जब डीडीटी का एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? डीडीडी, डीडीई, या डीडीएन, या डीडीएस। सही उत्तर है बी डीडीई, और इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें क्या होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, डीडीई इज अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड डाइहाइड्रो हाइड्रोहेलोजनेशन फ्रॉम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। ठीक है, और ट्राइक्लोरोइथीन में से हाइड्रोजन क्लोराइड माइनस हो जाता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथालीन बनता है, डीडीई बनता है। ठीक है, डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी? डीडीटी अभी मैंने आपको बताया, ए ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डी इज द ऑप्शन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं।
10, फुल फॉर्म ऑफ डीडीई इज, डीडीई का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथाइलीन, मैंने अभी बताया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 11, व्हाट इज लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट? किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है? सॉरी, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स दैट अ प्रोडक्ट हैज ऑन द एनवायरमेंट ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ इट्स लाइफ. यही होता है लाइफ साइकिल असेसमेंट, कि एक प्रोडक्ट जब बन के बाहर निकलता है और उसके बाद यूज होता है और फिर डिग्रेड होता है और फिर लैंडफिल में जाता है या फिर इंसिनरेट होता है, उसका क्या होता है? तो बनने से लेके, शुरू से लेके खत्म होने तक एक प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर होता है, वही होता है लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट. ठीक है, द लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड, इनमें से क्या नहीं होगा? ए, लाइफ साइकिल इन्वेंटरी ऑफ द प्रोडक्ट. बी, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट. सी, लाइफ साइकिल इंपैक्ट एनालिसिस. या डी, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान. ये सारा है, लाइफ साइकिल इन्वेंटरी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट, लाइफ साइकिल इंपैक्ट एनालिसिस, ये सारा कुछ लाइफ साइकिल असेसमेंट में आता है. सिर्फ इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान जो है उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है. तो सही आंसर है डी, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डिस्पोज सी एन डी वेस्ट इज टू. अब यहां मैंने जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म लिखा है, क्योंकि सी एन डी वेस्ट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट. एग्जाम में हो सकता है आपको कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट ना लिखा हो, सिर्फ सी एन डी लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म. ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का डिस्पोज करने का सबसे कन्वीनियंट तरीका क्या है? लैंडफिलिंग. और लैंडफिलिंग बहुत तरह से होता है, क्योंकि इंसिनरेशन नहीं होता है सी एन डी वेस्ट का, या तो रिसाइकलिंग होता है या फिर कंपैक्शन एंड सॉलिडिफिकेशन भी होता है. पर हर जगह कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के लिए रिसाइकलिंग और कंपैक्शन एंड सॉलिडिफिकेशन की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसको लैंडफिलिंग में यूज करते हैं. और ये बहुत ही बढ़िया लैंडफिल होता है, कोई निचली जमीन है उसको आपको भरना है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट डाल दीजिए, वो लैंडफिलिंग हो जाएगा. इसके अलावा लैंडफिल साइट जो है उसको भी, उसके ऊपर जो कचरा होता है उसको, उसके ऊपर इसकी एक लेयर डाल दीजिए, उसके ऊपर सीलिंग डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा काम करता है. तो कन्वीनियंटली इसको लैंडफिलिंग में इस्तेमाल कर लिया जाता है. पायरोलिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मीन्स, पायरोलिसिस क्या होती है? एरोबिक इंसिनरेशन? नो. एरोबिक डिस्टिलेशन? नो. एनारोबिक डिस्टिलेशन? नो. एनारोबिक डिस्टिलेशन ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर फॉर एनर्जी जनरेशन. तो पायरोलिसिस में एनारोबिक एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे उसको डिस्टिल किया जाता है, और वही होता है पायरोलिसिस. ठीक है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास कन्वर्जन प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस बायोगैस फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यूज? एनारोबिक डाइजेशन, या फर्मेंटेशन, या पायरोलिसिस, या एरोबिक डाइजेशन? उत्तर है ए, एनारोबिक डाइजेशन, क्योंकि एनारोबिक डाइजेशन में ही बायोगैस बनती है, बायोडाइजेस्टर में. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ टिपिकल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो जो नॉर्मली जो होता है उसमें कितना कार्बन होता है? 50 से 60%, 40 to 50%, 30 to 40%, या 20 to 30%? उत्तर है 50 to 60% कार्बन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल हैज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल एफिशिएंसी? इनमें से कौन सा सॉलिड वेस्ट मेथड का डिस्पोजल या ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें सबसे ज्यादा विध्वंस होता है, सबसे ज्यादा खत्म होती है चीजें? ए, इंसिनरेशन. बी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. सी, केमिकल ट्रीटमेंट. या डी, लैंडफिल. सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इंसिनरेशन में होता है. इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को जला दिया जाता है और सिर्फ जरा सी मात्रा में राख बचती है, तो इंसिनरेशन होगा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. और रिमूवल एफिशिएंसी भी इसी में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जरा सी राख ही बचती है जलने के बाद. क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म्स आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग? ट्रेसिक्लिटेला एक्सकवेटा? नहीं, ये जमीन, ये मिट्टी खाता है. ऑक्टोचिटोना सेरेटा, इसको देखते हैं. लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, ये भी जमीन में मिट्टी में रहता है. या आइसिनिया फुटिडा? सही उत्तर है ई, बी एंड डी, ये वाला और आइसिनिया फुटिडा. मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट किलो जूल पर केजी इन अ टिपिकल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज फाउंड इन? तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक भी होता है, लेदर भी होता है, वुड भी होता है, और टेक्सटाइल भी होता है. सबसे ज्यादा हाई एनर्जी कंटेंट किसका होता है? प्लास्टिक का. आंसर इज ए, सरप्राइजिंग है लेकिन प्लास्टिक. द फुल फॉर्म ऑफ पीएएच इज? ए, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. बी, पोलेरो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सी, पेरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. या डी, नन ऑफ दीज. उत्तर है ए, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. और ये एक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी होता है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन.
21वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक कंपोस्टिंग, एनारोबिक कंपोस्टिंग, बैंगलोर मेथड या मैंगलोर मेथड या इंदौर मेथड या सिडको मेथड? उत्तर है ए, बैंगलोर मेथड। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बैंगलोर मेथड में होता क्या है। इन द बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ड्राई वेस्ट मटीरियल ऑफ 25 सेंटीमीटर थिकनेस इज स्प्रेड इन अ पिट, एक गड्ढे में 25 सेंटीमीटर की थिकनेस का ड्राई वेस्ट मटीरियल डाल दिया जाता है, यानी कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एंड अ थिक स्लरी ऑफ काउ डंग, गोबर की एक जो लेयर है वो उसके ऊपर ढक दी जाती है, उसके ऊपर पानी से छिड़काव होता है। अ थिन लेयर ऑफ ड्राई वेस्ट इज लेड ओवर द मर्शन लेयर, इसके ऊपर फिर से ड्राई वेस्ट डाला जाता है। द पिट इज फिल्ड ऑल्टरनेटिवली विथ ड्राई लेयर्स ऑफ मटीरियल एंड काउ डंग स्लरी टिल इट राइजेस 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड। और फिर जब तक वो 0.5 मीटर तक जमीन के ऊपर नहीं जाता, तब तक ऑल्टरनेटिवली सॉलिड वेस्ट की लेयर और गोबर की लेयर, सॉलिड वेस्ट की लेयर और गोबर की लेयर, ऐसा किया जाता है। और उसको फिर 15 दिन तक खुला छोड़ देते हैं। इट इज गिवन अ टर्निंग, प्लास्टर्ड विथ वेट मड एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मंथ्स। उसके बाद उसको एक दो बार उसको घुमा देते हैं और उसके बाद उसको गोबर से लीप देते हैं, और 5 महीनों तक वो लीपा हुआ गोबर से छोड़ देते हैं। तो उस 5 महीने में उसके अंदर हवा तो जाती नहीं है, तो ये एनारोबिक प्रोसेस होता है। इन बैंगलोर मेथड देर इज एरोबिक फर्मेंटेशन टू स्टार्ट विथ फॉलोड बाई एनारोबिक डिकम्पोजिशन। शुरू में एरोबिक फर्मेंटेशन होता है क्योंकि मॉइस्चर होता है उसमें और हवा उसको मिल रही होता है क्योंकि खुला छोड़ा होता है, लेकिन बाद में जब 5 महीने के लिए गोबर से लीप कर छोड़ देते हैं तो फिर वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इसको आप और ध्यान से गूगल करके बैंगलोर सारे मेथड्स को, बैंगलोर मेथड, मैंगलोर मेथड, इंदौर मेथड, ये सब पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्मिंग कंपोस्टिंग, वर्मिंग कंपोस्टिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है जिसमें कि हमें गर्मी ना सर्दी लगती है, 20 से 25 डिग्री, वो अर्थवर्म्स के लिए भी ऑप्टिमम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोस्टिंग मेथड्स प्रोड्यूसेस द मोस्ट वैल्यूएबल फर्टाइल कंपोस्ट और फर्टिलाइजर? इंडोर मेथड, विंड्रो कंपोस्टिंग, वर्मिंग कंपोस्टिंग या इन वेसल कंपोस्टिंग? सही उत्तर है वर्मिंग कंपोस्टिंग। केंचुए की खाद सबसे उर्वरा उर्वरक खाद होती है। व्हाट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर वर्मिंग कंपोस्टिंग? वर्मिंग कंपोस्टिंग के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? तो वर्मिंग कंपोस्टिंग के लिए जो गोबर या जो भी खाद है, जो भी है मटेरियल, वो बहुत ही ड्राई नहीं होना चाहिए और एकदम पानी जैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है 70 to 90%। जो नॉर्मल रॉ म्युनिसिपल स्लज होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है 99%। तो जो थोड़ा सा डिकम्पोज गोबर होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, 90% तक हो जाता है, तो 70 to 90% तक उसका होता है और वही उपयुक्त होता है। जो थोड़ा सा डिकम्पोज और स्लाइटली ड्राई गोबर होगा उसका मॉइस्चर कंटेंट ये होता है, और वही वर्मिंग कंपोस्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। द बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वॉज डेवलप्ड इन 1939 एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर बाय ए हॉवर्ड, बी सुब्रमण्यम या डी डॉक्टर एल एन आचार्य या सी डॉक्टर एल एन आचार्य या डी नन ऑफ दीज। आंसर है सी, डॉक्टर एल एन आचार्य। और एक मिनट में, ये कंपोस्टिंग के ऊपर मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप सब इसको देख लीजिएगा। सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन या नन ऑफ दीज? उत्तर है कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिन गैस जो होती है वो एक फ्लेमेबल गैस है और ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड के लिए भी ऑक्सीडाइज होना आसान है, और ऑक्सीडाइज होके वो CO2 दे देगी, और H2 उसके लिए भी ऑक्सीडाइज होना आसान है। तो ये दोनों गैसेस में ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। तो सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ CO+H2 और ये एक फ्लेमेबल गैस होती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एट हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस? नो, एनारोबिक प्रोसेस ये भी नहीं, क्योंकि एनारोबिक प्रोसेस में इतना हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। पेरोलिसिस, यस, पेरोलिसिस बहुत हाई टेम्परेचर पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो आंसर होगा सी। पार्शियल कम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट 700 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड ए गैसिफिकेशन, बी पेरोलिसिस, सी कंपोस्टिंग या डी नन ऑफ दिस। तो हाई टेम्परेचर, तो कंपोस्टिंग तो नहीं, कंपोस्टिंग तो हमेशा मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे कंपोस्टिंग कभी नहीं होती है। पेरोलिसिस हाई टेम्परेचर पे होती है पर वो पार्शियल कम्बशन नहीं होता, वो उसमें ऑक्सीजन कहीं होता ही नहीं है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कहा जा रहा है, तो वो होगा गैसिफिकेशन।
लोकेशन क्राइटेरिया फॉर अ लैंडफिल साइट इज, इट शुड बी लोकेटेड एटलीस्ट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, शुड बी लोकेटेड एटलीस्ट 200 मीटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड. तो एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर, पॉन्ड और लेक से 200 मीटर दूर, नदी से कम 100 मीटर दूर, और पब्लिक पार्क से कम 300 मीटर दूर. ये सभी सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप, क्या ऐसा है जो कि करा नहीं जा सकता है? वेस्ट जनरेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या रियूज. हम रियूज भी कर सकते हैं, हम कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट जनरेशन को रोकना संभव नहीं, क्योंकि वेस्ट जनरेट होता ही होता है जब आप कुछ भी करते हैं. क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर हैजर्ड एट अ लैंडफिल साइट. तो फायर हैजर्ड किससे होता है लैंडफिल साइट पे? मेथेन. लैंडफिल साइट पे अंदर ही अंदर लैंडफिल के एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है और मेथेन निकलता है, और मेथेन एक फ्लेमेबल गैस है, तो फायर हैजर्ड होता है. कभी कभी क्या होता है कि लैंडफिल से थोड़ा थोड़ा मेथेन निकल रहा होता है और आग लग रही होती है, तो दूर से असल कहीं कोई चुड़ैल है जो आग लगा रही है आधी रात को, तो उसको लोग विच इज लैम्प और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर वो मेथेन गैस की वजह से लैंडफिल साइट में आग लगती है. हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज इन इंडिया? न्यूक्लियर वेस्ट किस तरह से इंडिया में डिस्पोज होता है? जियोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल. न्यूक्लियर वेस्ट को एक बक्से में कॉन्क्रीट बॉक्स से बंद करके उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है. परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश मिक्स विद सीमेंट इज, सीमेंट में कितना फ्लाई ऐश मिक्स किया जाता है? 15 से 30%, 50 या 75 या 20%? उत्तर है 15 से 30%. अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग मिक्स करते हैं, लेकिन कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 30% तक सीमेंट फ्लाई ऐश सीमेंट में मिक्स करते हैं और उससे फिर ईंटें बनाते हैं. हाउ मेनी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर स्टार्टेड इन पटना अंडर द नमामि गंगे स्कीम? नमामि गंगे स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. कितने सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट पटना में बने नमामि गंगे स्कीम के अंतर्गत? टोटल 4. ऑप्टिमम पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का ऑप्टिमम पीएच क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए. 7 पीएच न्यूट्रल होता है, वो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होना चाहिए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हाइड्रो फ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन? एचसीएफ, एचएफसी एंड सीएफसी. तो एचएफसी का होता है हाइड्रो फ्लोरोकार्बन और सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. उत्तर होगा बी. क्वेश्चन 38, इन टर्म्स ऑफ एमएसडब्ल्यू एंड व्हाट डज बीएमडब्ल्यू स्टैंड फॉर? एमएसडब्ल्यू मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और बीएमडब्ल्यू का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल म्युनिसिपल वेस्ट, और कुछ नहीं, बायोडिग्रेडेबल, बी फॉर बायोडिग्रेडेबल, याद रखिएगा. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जो करंट चेयरमैन है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो मेरे ही डिपार्टमेंट के एचओडी रह चुके हैं, डॉक्टर अशोक कुमार घोष. पर्यावरण विज्ञान में, साइटोजेनेटिक्स में और जल प्रबंधन में इनका बहुत योगदान है बिहार में, पूरे इंडिया में, और बहुत अच्छे जानकार हैं इन विषयों के ये डॉक्टर अशोक कुमार घोष. बहुत ही माई डियर आदमी और बहुत ही उच्च दर्जे के अध्यापक हैं, और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की थी. पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल वेस्ट इज हैजर्डस? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत जो वेस्ट होता है टोटल वेस्ट का हैजर्डस होता है? उत्तर है ए, 15%. ओके. व्हाट इज क्वेंटे हिल इन कैलिफोर्निया यूएसए नोन फॉर? क्वेंटे हिल इन कैलिफोर्निया यूएसए किस लिए जाना जाता है? टूरिस्ट अट्रैक्शन है? नहीं. क्लाइमेट चेंज इशू है? ये भी नहीं है. वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडफिल साइट है ये, क्वेंटे हिल कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स के लॉस एंजल्स जिले में आता है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडफिल साइट में से एक है. द लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज यूएसए, चाइना, इंडिया या रशिया? उत्तर है बी, चाइना. विच आर द फॉलोइंग सिटीज हैज द बेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? मैसूर, इंदौर, पटना या लखनऊ? उत्तर है बी, इंदौर. फोर्टी फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एशियाज माउंट एवरेस्ट ऑफ गार्बेज? इसका उत्तर है गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड. न्यू दिल्ली में है ये, दिल्ली में है ये, और यहाँ बहुत ज्यादा कूड़ा कूड़ा डंप किया जाता है, तो इसको जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो एशियाज माउंट एवरेस्ट ऑफ गार्बेज कहते हैं. ना बैंगलोर होगा, ना देवनगर होगा, ना ढापा होगा, ये सब कहीं नहीं है, दिल्ली. सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में पोल्यूशन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर काउंटेड एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? इनमें से कौन सा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत कभी नहीं आता है? फूड वेस्ट आता है, वुड वेस्ट आता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट भी आता है, सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत कभी नहीं आता है. उसको हमेशा अलग से डिसइंफेक्ट और फिर इंसिनरेट करते हैं, और सारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस वेस्ट को मैनेज करें, बायोमेडिकल वेस्ट.
हैजरस वेस्ट में बायोमेडिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट आता है। द लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, कौन सा रूल जो है लेटेस्ट गाइडलाइन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडिया में? तो उत्तर है ए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडिया में इसी के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। अरोडेंट, रोडेंट मतलब होता है रैट फैमिली से बिलोंग करने वाला जानवर। द अरोडेंट रिलेटेड डिजीज स्प्रेडिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज प्लेग, जॉन्डिस, मलेरिया, कॉलरा। जॉन्डिस, मलेरिया, कॉलरा ये तो सब गंदे पानी और भोजन से होता है। प्लेग ही चूहे से फैलता है तो रैट फैमिली का वो रोडेंट होता है, तो प्लेग उत्तर होगा ए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स टू डाइजेस्ट डिकम्पोज सॉलिड वेस्ट आर एरोबिक रिएक्टर्स, एनारोबिक रिएक्टर्स, हाइब्रिड रिएक्टर्स या डी ऑल ऑफ दीज। तो बायोलॉजिकल रिएक्टर जो होता है वो एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है और हाइब्रिड दोनों प्रोसेस का मिला जुला भी हो सकता है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं क्वेश्चन 49। ऑप्टिमम पीएच फॉर मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? 4 to 6 ये तो बहुत ही एसिडिक है, इसमें तो बैक्टीरिया अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। 5 to 8 ये भी रेंज सही नहीं है क्योंकि ये 5 काफी एसिडिक होता है और 8 बेसिक है। ऑप्टिमम पीएच है 6.8 to 7.2, ये न्यूट्रल के आसपास होता है और मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए ये पीएच सबसे उपयोगी रहता है। डायऑक्सिन आर ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हैजरस वेस्ट, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑल ऑफ दीज। उत्तर होगा ए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इसको कहते हैं। ये ऑल ऑफ दीज क्यों लिखा है पता नहीं, उत्तर ए होगा। तो उत्तर यहां पर होगा ए, ठीक है। डायऑक्सिन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्योंकि ये परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। डायऑक्सिन कंप्राइज अ फैमिली ऑफ हैजरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इंक्लूड पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजीन पाराडायऑक्सिन, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरेंस, सम पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल पीसीबीज। तो ये तीनों ही होते हैं डायऑक्सिन जो कैटेगरी है कंपाउंड्स की, उसमें ये तीनों तरह के कंपाउंड्स आते हैं। तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपयोगी रहेगा और आप सबको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज एग्जाम से एक रात पहले जरूर रेस्ट करें, आराम से सोएं, आराम से खाएं ताकि अगले दिन फ्रेश दिमाग से एग्जाम देने जाएं। एग्जाम के लास्ट मोमेंट में पढ़ने की जगह थोड़ा रेस्ट करना और अपनी एनर्जी को फिर से रिजुविनेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जय हिंद, जय भारत।